इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप दोस्तों वन प्लस के मोबाइल फ़ोन में दोस्तों होम बटन से मतलब बीच वाले बटन से आप दोस्तों अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट कैसे ऑन कर सकते हैं, मतलब कैसे चालू कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है अपने वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाकर आना है नीचे। और देखिए दोस्तों, जब आप दोस्तों नीचे आएंगे तो इसमें एक एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप करेंगे क्लिक। और इसमें नीचे आएंगे तो एक सेटिंग होगा वेक गूगल असिस्टेंट विथ होम बटन का। तो दोस्तों ये सेटिंग्स आपके फ़ोन में दोस्तों ऑन दोस्तों रहना चाहिए। तो अगर ऑन है तो इस तरीके से आपको दोस्तों ऑन ही दोस्तों रहने देना है, पर अगर इस तरीके से बंद है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देना है। अब देखिए सेटिंग्स को ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के बीच वाले बटन को मतलब ये जो बीच में होता है मतलब कि दोस्तों इसको दोस्तों होम बटन भी कहा जाता है, इस पर जब आप दोस्तों कुछ देर जो दोस्तों फिंगर को दबाकर रखेंगे तो दोस्तों आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, मतलब गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा। सो इस तरीके से आप दोस्तों जो है अपने वन प्लस के मोबाइल फ़ोन में होम बटन से आप गूगल असिस्टेंट ऑन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।